आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं भरवा बैंगन की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये भरवा बैंगन बनके तैयार होते हैं। बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो बच्चे या बड़े बैंगन खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी इसे उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए यहाँ हमने 500 ग्राम बैंगन ले लिए हैं। बैंगन हमने थोड़े से छोटे साइज़ के लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के ले सकते हैं। अब इसकी हमें डंडी को कट कर लेना है, तो हम थोड़ी सी इसकी डंडी को इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हमें इनको कट करना है, इनमें चीरा लगाना है, तो हम दो तरफ से इनमें चीरा लगाएंगे, तो इससे पता भी चल जाएगा कि बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमें कट लगाना है। और बस अब इसको हम पानी में ऐड करते जाएंगे। बैंगन को पानी में ऐड उसी वक्त करना है, वरना इसमें बैंगन काले पड़ने लगते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे बैंगन कट कर लेंगे। और देखिए हमने सारे बैंगनों को कट करके पानी में ऐड कर दिया है। अब चलिए मसाला बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम भरवा बैंगन के लिए एक मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए हमने लिया है 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। साथ में हमने लिया है 1.5 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। साथ में हमने लिया है 1 टीस्पून भुना कुटा जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड और क्रश करी हुई कसूरी मेथी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून बेसन, रोस्टेड वाला बेसन है ये। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून दही। दही आप ज़रूर डालिएगा। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम सारे मसालों के साथ दही को और बेसन को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है। आप इस मसाले को किसी भी सब्ज़ी में भरकर और आप उसको भरवा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेगी। अब हमें बैंगन में मसालों को भर लेना है, तो ये हमने बैंगन ले लिया है और थोड़ा सा हम मसाला लेंगे और इसमें हमें अच्छे से मसाले को भरना है। थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में हम मसाला भरेंगे और हमें बिल्कुल दबा दबा के मसाला भरना है बैंगन में। तो ये देखिए इस तरीके से हम दबा दबा के मसाले को भरेंगे, और ये देखिए इस तरीके से हमने मसाला भर दिया है बैंगन में। और आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल टाइट मसाला भरा है, कम मसाला नहीं भरा है। बस सारे ही बैंगन हम ऐसे ही भर के रेडी कर लेंगे। और देखिए हमने सारे मसाले को बैंगनों में अच्छे से भर दिया है। अब ये जो थोड़ा सा मसाला बचा है इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो चलिए अब पकाना शुरू करते हैं। और अब हम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है हमें। ऑयल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम मसाले से भरे हुए बैंगन ऐड कर देंगे। और बैंगनों को हमें टॉस कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। हम बैंगनों को शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करने से बैंगन में जो हमने मसाला भरा है वो भी सेट हो जाएगा अच्छे से, और बैंगन तकरीबन 50 से 60% तक पक भी जाएंगे। तो सारे बैंगनों को हम इसमें सेट कर देंगे। तो सारे बैंगनों को हमने सेट कर दिया है। अब बैंगनों को हम मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लेंगे, और बैंगनों को हम हल्के हाथों से इस तरीके से पैन को हिलाएंगे। ज़्यादा हमें नहीं हिलाना है बैंगनों को। और देखिए बैंगन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो हम इस तरीके से एक बार बैंगन को और हिला देंगे। ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है हमें बैंगन को, और 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कि डॉट्स आने लगे हैं, बैंगन हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। ये देखिए बैंगन पकने लगे हैं, तो 2-1 मिनट हम और पका लेंगे। और देखिए 2 मिनट और हो गए हैं बैंगन को पकते हुए, और बैंगन अच्छे से पक गए हैं। तकरीबन 60% तक ये टेंडर हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि इस पर अच्छे से गोल्डन डॉट्स आ गए हैं। और बस अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और अब हम ग्रेवी बना लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम उसी पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून राई दाना। राई दाने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। हल्का सा इसको क्रैकल हो जाने देंगे जीरे को, और देखिए जीरा हल्का सा क्रैकल हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। तो 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, और प्याज को हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और देखिए प्याज में गोल्डन कलर आने लगा है, बस इतना ही हमें प्याज को फ्राई करना है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की हमने प्यूरी बना ली है, और अब हमें टमाटरों को भून लेना है।
जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता जब तक हम भून लेंगे। और देखिए टमाटर का पानी ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से नमक, तो 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। और अब हम बचा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने भरवा बैगन में भरा था, जो मसाला बच गया था वो भी डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और यहीं पे डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और अब हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे और ऑयल सेपरेट होने लगे। और देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को भुनते हुए और पूरा ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन के बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे, तो तकरीबन हम 1/2 ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे और पानी में हम बॉयल आने का वेट करेंगे। और देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गया है, तो अब इसमें हम बैगन ऐड कर देंगे जो हमारे मसाले से भरे हुए हैं और फ्राई करे हुए हैं, तो एक एक करके हम इनको ऐड कर देंगे। और देखिए यहाँ हमने सारे बैगन डाल दिए हैं, अब इनको हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथों से ही करेंगे। और अब हम इनको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के। और देखिए 5 मिनट हो गए हैं बैगन को पकते हुए और आप देख सकते हैं कि बैगन बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। हम आपको चेक करा देते हैं, ये देखिए बैगन में ज़रा सा भी मसाला नहीं निकला है, बैगन तो है ही लाजवाब, लेकिन उसकी ग्रेवी देखिए आप, देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही लाजवाब बैगन बने हैं। और देखिए मसाला अंदर तक बैगन के भरा हुआ है, मसाला भी बिल्कुल नहीं निकला है। तो आप एक बार मेरे तरीके से इस बैगन को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और फाइनली हमारे बहुत ही लाजवाब भरवा बैगन बनके तैयार हो गए हैं। सी ग्रेवी के साथ बने हुए भरवा बैगन बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको किसी भी किस्म की रोटी, पूरी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बेइंतहा लाजवाब हैं। रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर लेकर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।